चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की 25 बड़ी खबरों का रुख करते हैं। हरियाणा सरकार ने आज बुलाई सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक। चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विकास और कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा के स्वागत के लिए कैथल तैयार है। कैथल की सड़कें रास्तों पर जो है राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पोस्टर्स और बैनर्स लगा दिए गए हैं। 21 अगस्त को कैथल में डॉक्टर सुभाष चंद्रा का सम्मान होना है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के सम्मान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माना जा रहा है कि करीब 50,000 लोग इस सम्मान समारोह में मौजूद रहने वाले हैं। आयोजकों के मुताबिक 36 बिरादरी के लोग राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा का सम्मान करेंगे। युवा वर्ग डॉक्टर चंद्रा से मिलने के लिए उत्साहित है। हरियाणा पुलिस भर्ती मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार हरियाणा के डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने तकरीबन 60 लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए और लोगों ने यह आरोप लगाया है कि रेस क्वालिफाई करने के बावजूद उनका नाम लिखित परीक्षा की लिस्ट में नहीं है। याचिका के मुताबिक करीब 5,000 पदों के लिए हरियाणा में पुलिस भर्ती क्वालिफाई करने के लिए 5 किलोमीटर रेस 25 मिनट में पूरी कर ली गई थी और इसके लिए वीडियोग्राफी करवाई गई थी। ऐसी ही एक याचिका पहले भी हाईकोर्ट में आ चुकी है। अब मामले में 26 अगस्त को जवाब देना है। अंबाला के घसीटपुर में हरियाणा की पिछली सरकार ने गरीबों के सर पर छत देने के मकसद से 120,94,00,000 की लागत से 3,280 भवन बनाए थे। इसमें से 200 घर तो अलॉट कर दिए गए लेकिन बाकी बचे घरों को आज तक अलॉट नहीं किया गया। वहीं अंबाला शहर के बीजेपी विधायक असीम गोयल ने भी इसे लेकर पिछली सरकार को आड़े हाथों लिया है। असीम गोयल का कहना है कि पिछली सरकार ने योजनाओं को लागू करने की बजाय योजनाओं में पैसा खाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को अलॉट करने की कवायद शुरू कर दी है। अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने बताया कि सरकार के अंत्योदय के नारे को सार्थक करने के लिए ये कोशिश की गई है। करनाल के सिंघड़ा गांव के सरपंच नवदीप सिंह विर्क ने अपने गांव में स्वच्छता की ऐसी अलख जगाई है कि आज सिंघड़ा गांव करनाल का पहला ऐसा गांव हो गया है जो पूरी तरह से शौच मुक्त है। सरपंच नवदीप सिंह ने बताया कि पीएम मोदी की सोच गांव की निगरानी कमेटी और पंचों की मदद से उन्होंने लोगों को जागरूक किया और स्वच्छ भारत अभियान का सपना पूरा किया। वहीं गांव की इस उपलब्धि पर गांव को सरकार की तरफ से 1,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 7 सालों से ऑस्ट्रेलिया में रहे सरपंच नवदीप सिंह विर्क को वहां की साफ सफाई इतनी भाई कि उन्होंने अपनी इसी सोच को गांव के लोगों तक पहुंचाया और आज गांव पूरी तरह से स्वच्छ भारत अभियान का जीता जागता सबूत बन गया है। हिसार पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 5-5 रुपए के 2,000 नकली सिक्के बरामद किए गए हैं। पकड़े गए शख्स का नाम सचिन बताया जा रहा है जो नकली सिक्कों का सप्लायर है। पुलिस की माने तो सचिन पिछले 7-8 महीने से नकली सिक्के सप्लाई करने का काम कर रहा था। वो दिल्ली में किसी सोनू नाम के आदमी से सिक्के लेकर हिसार में दुकानदारों को सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस से पता लगाने में जुटी है कि इस गोरख धंधे में आखिर कौन कौन शामिल है। हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग डेंगू से निपटने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है। हालांकि अभी तक सूबे में डेंगू से किसी की भी मौत की खबर सामने नहीं आई है लेकिन स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक इस साल अभी तक प्रदेश में डेंगू के 53 मामले सामने आ चुके हैं जिनमें सबसे ज्यादा 19 मामले गुरुग्राम से सामने आए हैं जबकि अंबाला और फरीदाबाद से 9 मामले सामने आए हैं। जींद सिरसा और पंचकूला से 3-3 मामले सामने आए हैं। करनाल से 2 मामले और फतेहाबाद हिसार और यमुनानगर से 1-1 मामले सामने आए हैं। 2015 की अगर बात करें तो प्रदेश में पिछले साल 9,921 डेंगू के मामले सामने आए थे जिनमें से 13 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 2014 में 214 मामले सामने आए थे और 2 लोगों की यहां पर जान चली गई थी लेकिन इस बार किसी की भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। चंडीगढ़ प्रशासन ने अक्षय ऊर्जा दिवस के मौके पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें कई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला का मकसद चंडीगढ़ में घर घर तक और सौर ऊर्जा को पहुंचाना है।
चंडीगढ़ प्रशासन के गृह सचिव अनुराग अग्रवाल की माने तो अब तक 2021 तक पूरे चंडीगढ़ की छतों पर सोलर प्लांट लगाने के लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब ये लक्ष्य 2019 में ही पूरा कर लिया जाएगा। फसल बीमा योजना के खिलाफ राजनीतिक दलों के अलावा किसान संगठनों का धरना लगातार जारी है। हिसार में शुक्रवार को किसान सभा ने योजना के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के हित में नहीं है। किसानों का कहना है कि फसल बीमा योजना में बहुत सी फसलों को बीमा योजना में शामिल नहीं किया गया है। योजना के अनुसार गांव को इकाई मानकर किसानों के नुकसान की भरपाई की जाए, जबकि पैसा प्रति एकड़ के अनुसार से काटा जा रहा है। मेवात के मेडिकल कॉलेज में पुलिस और मेडिकल छात्रों के बीच झड़प हो गई। कई छात्र यहां पर घायल हो गए। गुस्साए छात्रों ने पीसीआर को आग के हवाले कर दिया। ओलंपिक में मेडल जिताने वाले साक्षी मलिक पर इनामों की बारिश। हरियाणा सरकार देगी 2.5 करोड़, रेलवे 60 लाख और आईओए ने भी 50 लाख के इनाम का ऐलान किया। साक्षी मलिक को रानी झांसी सम्मान से नवाजेगी यूपी सरकार। 3 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। रियो ओलंपिक में देश को पहला मेडल दिलाने वाले साक्षी मलिक का हर कोई कायल हो गया है। ऐसे में हरियाणा के बॉलीवुड सितारे भी साक्षी मलिक को बधाई दे रहे हैं। इन सितारों का मानना है कि साक्षी ने जो करके दिखाया है उससे हरियाणा की महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव आएगी। बॉलीवुड और पंजाबी फिल्मों में अपने अभिनय की धाक जमाने वाले यशपाल शर्मा और फिल्म सुल्तान में सलमान के पिता की भूमिका निभाने वाले अभिनेता नवीन ओहलियाण का मानना है कि साक्षी ने देश का नाम ऊंचा किया है और हर हरियाणवी को साक्षी पर नाज है।